अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल नौशिन का किचन। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी, यमी और कलरफुल कोकोनट मिठाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इंशाल्लाह जब आप इसे ट्राई करेंगे आपको भी बहुत अच्छी लगेगी और आप बाहर की मिठाइयों को तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे। इसे घर पे बनाना बहुत सिंपल है और ये बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में ही घर में रेडी हो जाएगी। चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप मुझे फॉलो कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं नारियल की मिठाई बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें 2 कप कोकोनट चाहिए। वन एंड वन फोर्थ कप मिल्क चाहिए। हाफ कप शुगर चाहिए। 2 टेबलस्पून बटर चाहिए। 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर चाहिए। कोकोनट ऑयल ऑप्शनल है, अगर आपके पास घर में मौजूद है तो आप डाल लीजिए। ये 2 टेबलस्पून चाहिए। अब हम एक फ्राई पैन ले लेंगे। फ्राई पैन में हम 2 कप जो है वो कोकोनट डाल लिया है। कोकोनट को हम बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनेंगे। कोकोनट हमने डाल लिया है, अब हम इसे चम्मच चलाएंगे ताकि कोकोनट जो है हमारा बिल्कुल भी नीचे से जले नहीं। लो फ्लेम पे हमने कोकोनट को अच्छी तरह भून लिया है, कलर भी हमारा बहुत अच्छा लाइट कलर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध। दूध हमने डाल लिया है, अगर दूध डालने के बाद आपका जो नारियल है वो ड्राई है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी दूध के अंदर नरम नहीं हुआ, तो आप 1/4 कप दूध और इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें दूध और नहीं डाल रही हूँ। कोकोनट जो है वो दूध के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह नरम हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। चीनी हमने 1/2 कप ली है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी और ऐड कर सकते हैं। चीनी बिल्कुल डिज़ोल्व हो गई है कोकोनट के अंदर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून सूखा दूध। फिर हम इसमें ऐड करेंगे बटर। बटर की जगह आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। देन फिर हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास घर में नहीं मौजूद तो आप नहीं डालें, अगर है तो आप डाल लीजिए। इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है नारियल की मिठाई में। मेरे पास है तो मैं डाल रही हूँ। बहुत अच्छी बुनाई हो गई है हमारी कोकोनट की। अब हम इसे एक प्लेट में निकालते हैं और ठंडा करते हैं। कोकोनट की मिठाई हमारी ठंडी हो गई थी। मैंने इसको 3 पार्टिंग में कर लिया है। एक में मैंने रेड कलर डाला है, एक में ग्रीन कलर डाला है और एक को मैंने वाइट ही रखा है। 1 कप मैंने वाइट कोकोनट लिया है, हाफ को मैंने वाइट ही रखा है और हाफ के अंदर मैंने येलो कलर मिक्स कर दिया है। अब हम सबसे पहले रेड लड्डू रेडी करेंगे। हमने थोड़ा सा मिक्सर ले लिया है, उसको हाथों से अच्छी तरह दबा दबा कर लड्डू रेडी करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लड्डू रेडी हो गया है। अब हम इसको वाइट कोकोनट के अंदर रोल करेंगे अच्छी तरह। आपकी मर्ज़ी है, आप जितना साइज़ चाहते हैं आप उतना लड्डू रेडी कर सकते हैं। हमने अच्छी तरह रोल कर लिया और एक्स्ट्रा जो है वो झाड़ लिया है। हमारा बहुत अच्छा रेड लड्डू रेडी हो गया है। इसी तरह हम ग्रीन लड्डू को भी रेडी करेंगे। हमने थोड़ा सा ग्रीन मिक्सर ले लिया है, उसको अच्छी तरह हाथों से दबा दबा कर हम इसे रोल करेंगे, लड्डू की शेप देंगे। ग्रीन लड्डू भी हमारा रेडी हो गया है, इसको भी हम वाइट कोकोनट के अंदर रोल करेंगे। अच्छी तरह रोल करना है आपने और जो एक्स्ट्रा है उसको झाड़ लीजिए। और हमारा ग्रीन लड्डू जो है वो भी बहुत अच्छा रेडी हो गया है। अब हम वाइट मिक्सर लेंगे, इसका लड्डू रेडी करेंगे। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि लड्डू में बिल्कुल भी क्रैक नहीं हो बनाते हुए। बहुत आप तरीके से लड्डू रेडी करें।
लड्डू हमारा रेडी हो गया है नारियल का। आप देख सकते हैं कि रेडी हो गया है। अब हम इसे येलो कलर के नारियल के अंदर रोल करेंगे अच्छी तरह। जो एक्स्ट्रा है उसे झाड़ लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा बहुत अच्छा लड्डू रेडी हो गया है येलो कलर का। सारे लड्डू जो है हमने सर्व कर दिए हैं। आप देख सकते हैं हमारे लड्डू बहुत अच्छे रेडी हुए हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। आप जब इसे ट्राई करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं आपको इसे खा के दिखाऊंगी। खाने में ये आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा और बहुत अंदर से सॉफ्ट रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं। आप इसे 1 महीने के लिए भी घर में बनाकर रख सकते हैं लड्डुओं को। आप इसे जब घर में एक दफ़ा बनाएंगे तो आप मार्केट के जो नारियल की मिठाई है उसे बिल्कुल ही भूल जाएंगे। और घर में बड़े और बच्चे सब इसे बहुत ही पसंद करेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिएगा। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके इंशाल्लाह। मज़ीद और अच्छी अच्छी और सिंपल और घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स वाली रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।